हाय, आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, शिवपुरी। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी पांचवी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। इसके लिए हम प्रूव करेंगे 2 tan inverse x टेन इनवर्स में कितना होता है, साइन इनवर्स में कितना होता है और कॉस इनवर्स में कितना होता है। मतलब 2 tan inverse x tan inverse 2x/1 - x² साइन में साइन इनवर्स 2x/1 + x² और कॉस में कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² के इक्वल होता है। इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स को थीटा, हमने मान लिया टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इससे एक्स आ जाएगा टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। अब हम ये टेन थीटा, टेन वर्स एक्स को थीटा माना था, तो यदि हम यहाँ पे टेन वर्स एक्स की जगह पे थीटा लिखेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। तो टेन में है तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन में है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कॉस में है तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? टेन वाला। तो हम टेन 2 थीटा का टेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। टेन 2 थीटा का टेन वाला फॉर्मूला होता है 2 tan θ / 1 - tan²θ। इसमें हम टेन थीटा की जगह पर एक्स लिख देंगे और तो जो हो जाएगा 2 tan θ = 2x। टेन थीटा की जगह पर हमने एक्स लिख दिया, द 2x/1 - x². अब हम इस टेन को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan inverse x, यानी 2θ = इस टेन को इधर भेजा तो ये जाएगा 2θ = tan inverse 2x/1 - x². इसमें हम थीटा की वैल्यू लिख देंगे, थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स, तो 2 tan inverse x = tan inverse 2x/1 - x². इस थीटा की जगह पे हमने टेन इनवर्स लिख दिया। इसी प्रकार सिमिलरली हम साइन 2θ का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन 2θ का टेन वाला फॉर्मूला होता है 2 tan θ / 1 + tan²θ। इसमें भी हमने टेन थीटा की जगह पर एक्स पुट कर देंगे तो टेन थीटा की जगह पर एक्स लिखने के बाद में आ जाएगा 2x/1 + x². इस साइन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2θ = हो जाएगा साइन इनवर्स, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 2x/1 + x². इसमें भी थीटा की जगह पर हम टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे तो ये देखें 2 tan inverse x = sin inverse 2x/1 + x², हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब हम कॉस का टेन वाला फॉर्मूला, तो ये देखें कॉस का टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos 2θ = 1 - tan²/1 + tan²। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाले, जो कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में इनका यूज कर रहे हैं। तो cos 2θ = 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, इसमें टेन थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन थीटा था एक्स के बराबर, तो cos 2θ = 1 - x² / 1 + x², इससे कॉस को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जो हो जाएगा 2θ = cos inverse 1 - x² / 1 + x², तो इसमें थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स वैल्यू पुट करने पर हमें मिल जाएगा 2 tan inverse x = cos inverse 1 - x² / 1 + x². तो जो हमने 3 समीकरण बनाए हैं, समीकरण 1 देखें क्या था, ये था समीकरण 1 2 tan inverse x = tan inverse 2x/1 - x² है, सेकंड में 2 tan inverse x इसके इक्वल है और थर्ड में भी 2 tan inverse x इससे कॉस इनवर्स के इक्वल है। तो हम तीनों को कमेंट रूम में लिख दें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2 tan inverse x tan inverse 2x/1 - x² के इक्वल है, इधर साइन इनवर्स 2x/1 + x² के इक्वल है और कॉस में कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² के इक्वल है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो जाती है।